सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि राग घातिया कर्म होने से पाप प्रकृति ही है, उसमें पुण्य का भेद ही नहीं है। क्या बोला मैंने? राग में पुण्य नाम का भेद ही नहीं है, द्वेष में पुण्य नाम का भेद ही नहीं है। ये मिथ्यात्व है आपको। आप एक राग को पुण्य कहते हो, एक राग को पाप कहते हो। रोटी खाने के राग को आप पाप कह देते हो, मंदिर जाने के राग को आप पुण्य कह देते हो, धर्म कहते हो तो और बड़ा मिथ्यात्व है। क्या कह रहा हूँ? क्या कहा मैंने? धर्म कहोगे वो तो और ही बड़ा पाप है, भयंकर मिथ्यात्व। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं वो घातिया कर्म की प्रकृति है ना, चारित्रम गुण। और घातिया की घातिया का उल्लेख क्या लिखा है? घातिया में पुण्य प्रकृति नहीं होती। पॉइंट फोकस समझ में आ रहे हैं? घातिया में पुण्य प्रकृति होती ही नहीं है, वो तो घातिया मैंने घात करती है, या तो सर्वघात करती है या देशघात करती है। तो अनंतानुबंधी तो सर्वघाती है। अब आप यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप पे अनंतानुबंधी राग है, भले आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, मुनि बन जाओ, तो भी आप पाप प्रकृति ही है।